पूर्व पत्नी को भत्ता नहीं दे पा रहा जेट का कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील। जी हाँ दोस्तों, बात है जेट एयरवेज की नई अपडेट की, जहां पर कि कर्ज में डूबी एयरलाइन जेट एयरवेज की उड़ानें करीब 5 महीने से बंद है। वहीं एयरलाइन के कई कर्मचारियों को लंबे समय से सैलरी नहीं मिली है, तो अधिकतर कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इन हालातों में कई वजह से कर्मचारियों की निजी ज़िंदगी भी प्रभावित हो रही है। तो आपको एक मामला बताने जा रहे हैं हम कि दरअसल जेट एयरवेज के कर्मचारी ने कोर्ट को बताया कि जेट एयरवेज के बंद होने की वजह से वो बेरोजगार है। आर्थिक तौर पर उसे हर दिन नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बीच सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेरे लिए अतिरिक्त बोझ बन गया है। इसके साथ ही जेट के कर्मचारी ने अपनी याचिका में सेंक्शन को निरस्त करने की मांग की है। कर्मचारी के मुताबिक यह सेक्शन भारत के संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने समक्ष MS विष्णु शंकर और श्रीराम P याचिकाकर्ता की ओर से दायर की है। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में डिप्लोमा किया है, लेकिन जेट एयरवेज के बंद होने की वजह से उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इसी बीच जेट एयरवेज के एक पूर्व कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 125 को चुनौती दी। उसने कहा कि उसके पास नौकरी नहीं होने की वजह से वो अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है। बता दें कि सेंक्शन 125 के तहत पत्नी को छोड़ने के बाद उसे गुजारा भत्ता देना पड़ता है। वहीं आर्थिक संकट में है अपनी जेट एयरवेज। बता दें कि जेट एयरवेज पर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां हैं। वहीं भारी कर्ज की वजह से जेट एयरवेज के विमान ठप हैं। इन हालातों में जेट एयरवेज दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। बहरहाल 3 कंपनियां जेट एयरवेज के अधिग्रहण की दौड़ में हैं, जिसमें से कि 2 तो हट चुकी हैं, अब एक ही बची है, सिनर्जी ग्रुप। दक्षिण अमेरिका का सिनर्जी ग्रुप कॉरपोरेशन शामिल है। ऐसी अपडेट्स और जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप मिस ना कर सके। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लूंगा। तब तक के लिए देखते रहे इंडियन गुरु। मैं हूं आपका दोस्त विनायक बाबा।